मनु और मोंटी भी तक आए क्यों नहीं? इतनी देर लगा दी। अब तक तो मैं दो बार दुकान पे जाके आ भी गया था। दुकानदार भी एंटीक है, कितनी बड़ी दुकान चला रहा है, पैसे नहीं रख रहा है छुट्टे। ये लो, पूरा 1 घंटा लगा दिया बॉल लेकर आने में। फैक्ट्री चले गए थे बॉल लाने के लिए? अरे नहीं रे, दुकानदार के पास छुट्टे पैसे नहीं थे, बॉल ही नहीं दे रहा था। कितना लोग ने रिक्वेस्ट किया, बाद में बॉल दिया। वो तो अच्छा था कि मैंने दुकान वाले को पटा लिया। वैसे कितनी बॉल लाया तू? 3। ये तूने अच्छा किया जो 3 बॉल लेके आ गया। इधर सुधीर अंकल सुबह सुबह मजा ही किरकिरा कर देते। एक बार उनके घर पे बॉल गई ना तो वापिस नहीं मिलती। अरे लेकिन अभी हम लोग के पास 3 बॉल है, अगर एक चली भी गई तो फिर दूसरी हम लोग निकालेंगे। कोशिश करना कि उधर मत मानना यार। चलो जल्दी से एक मैच हो जाए। आकाश तू बैटिंग कर, मैं रनिंग पे जाता हूँ। और मैं बॉलिंग करूँगा। ठीक है चल। क्या मानू, पहले बॉल में 4 दे दी। सॉरी यार, हाँ अगली बॉल पे पक्का आउट है। पक्का? पक्का। My God! Shit! अरे आकाश, तेरे को मना किया था ना, उधर मत मारना। किया ना डांट खाने वाला काम? मरेगा यार। कितनी बार तुम लोगों से कहा है कहीं और जाके खेला करो। नहीं जाएगा तो मेरे सिर के ऊपर। सॉरी अंकल, अगली बार से नहीं होगा। इस बार बॉल दे दो ना। तुम लोग को तुम्हारे मम्मी पापा के पास लेके जाऊंगा मैं। नहीं नहीं, इस बार माफ कर दो अंकल, फिर से ऐसा नहीं होगा। नहीं मिलेगी बॉल, और अगली बार बॉल आई ना फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। अंकल अरे तो टेंशन मत लेना यार, दूसरी बॉल से खेलते हैं ना। कौन बोल रहा था ना, ओवर की लास्ट बॉल है, आउट करके दिखा। दिखाता हूँ। ये बॉल भी गई। Oh my God, ये क्या किया तूने? क्या यार? अरे अंकल बाहर नहीं आए, वरना आते ही बम्बा बम मचा देते। लगता है वो हम लोग के पेरेंट्स को कंप्लेन करने गए। अरे यार, हमारे घर तो दूसरे विंग में है, अगर उन्हें जाना था तो यहीं से आते। हम तो यही है। सही कहा यार तूने। कहीं कुछ हो तो नहीं गया अंकल को? चलो चल के देखते हैं। चल 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 चल। अरे आकाश तू चिंता मत कर यार, हम सब है ना तेरे साथ। अगर अंकल ने दरवाजा खोला तो हम सब भाग जाएंगे। हाँ मेरे को तो पकड़ नहीं पाएंगे। तुम सब लोग तो रेडी हो ना? हाँ हाँ यार। अंकल दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? अबे लगता है सो गए होंगे। अगर सो रहे होते तब तक जग जाते। हाँ बाथरूम में हो गए? ओह शट अप मोंटी, कोई आदमी इतनी देर तक बाथरूम में रह सकता है क्या? मैं रहता हूँ। चुप करो तुम दोनों, अब क्या करना है पहले वो सोचो। एक आइडिया है हमारे पास। क्या? चलो चल के अंदर देखते है। लेकिन दरवाजा तो बंद है, तो अंदर कैसे जाएंगे? पीछे के रास्ते से जाएंगे। पीछे के रास्ते से? लेकिन जाएगा कौन? तुम जाओगे। मैं? दिख नहीं रही यार। कहाँ गई कहाँ गई? ये राहुल क्या हुआ? अरे दरवाजा खोलो राहुल, जल्दी है यार। बॉल मिली क्या? मैंने दरवाजा खोल दिया है, आ जाओ तुम लोग। चलो। बॉल बॉल। आराम से आराम से, अंकल देख ना ले। लेकिन अंकल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। हो सकता है कहीं छुपे हो। एक काम करते हैं, अंकल को ढूंढते हैं, ठीक है? हाँ चलो। अंकल तो मर गए यार। हे भगवान, क्या होगा? हम सब पकड़े जाएंगे। बॉल लगने की वजह से अंकल मर गए। आकाश, राहुल, हमारी बात कौन मानेगा? मेरी मम्मी पापा बहुत डांटेंगे मुझे। मैं कहूँगा क्या उनसे? मुझे जेल नहीं जाना है। नहीं जाना जेल मुझे। आराम से मोंटी, काम करो। सब लोग शांत हो जाओ। ऐसे रोने रोने से कुछ काम नहीं चलेगा। हमने थोड़ी ना मारे अंकल को, ये तो अपने आप ही मर गए। मगर आकाश, बॉल तो हमारी है ना। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ घर के अंदर? कुछ नहीं आंटी। अरे इतने सारे बच्चे घर में, सर ने देख लिया तो मार देंगे एक एक को जान से। अरे भागो यहाँ से, चलो चलो भागो यहाँ से। अरे क्या है वहाँ? कुछ नहीं। अरे भगवान, ये क्या कर दिया मेरे सांप को? क्या हो गया? घाव काफी गहरा है और बॉडी पे और कहीं भी चोट के निशान नहीं है, तो ऐसा लगता है कि खून इस बॉल से ही हुआ है। गेंद बहुत जोर से लगी होगी इसे, काफी स्पीड से आई होगी सर ये बॉल। मगर सर क्रिकेट बॉल लगने से मौत? विवेक, लाश तो हमारी आंखों के सामने पड़ी है ना, और इस बॉल को देखो, देखो कितना पत्थर जैसे ठोस है। ये लग के तो कोई भी मर सकता है। उसके सिर पे देखो, बॉल के निशान है। बच्चों से बात करते हैं विवेक। देखो, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। चलो रोना बंद करो। गुड। अब बताओ क्या हुआ था, क्या देखा तुमने? अंकल तुम सच कह रहे हैं, हमने सुधीर अंकल को नहीं मारा। अंकल, हम लोग तो सिर्फ क्रिकेट खेल रहे थे। बॉल पता नहीं कैसे अंदर आ गई। अच्छा, ये बॉल ऐसे पहले भी घर के अंदर आई थी यहाँ पे? हाँ अंकल, कभी कभी आती थी। देखो, हम लोगों को मालूम है कि तुम लोगों ने कुछ नहीं किया, इसलिए घबराओ मत, ठीक है? मतलब हम जेल नहीं जाएंगे? अरे नहीं, कैसी बातें करते हो, घबराओ मत, है? घबराओ मत। अच्छा ये बताओ, ठीक ठीक बताओ, क्या हुआ क्या था? अंकल, मैं बैटिंग कर रहा था और मनु बॉलिंग कर रहा था। जैसे मैंने शॉट मारा, बॉल कांच तोड़कर खिड़की के अंदर चली गई। फिर क्या हुआ? सुधीर अंकल ने डांटा नहीं तुम लोगों को? उन्होंने नहीं डांटा, वो बहुत देर तक बाहर ही नहीं आए। फिर क्या हुआ? फिर हम लोग ने यहाँ के बैल बजाई और सुधीर अंकल ने दरवाजा नहीं खोला। तो फिर तुम लोग घर के अंदर आए कैसे? ये पीछे वाली खिड़की से मैं अंदर आया और इन लोग के लिए दरवाजा खोला, फिर हम लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है अंदर। चलो ठीक है, अब तुम्हारे मम्मी पापा से बात करते हैं। देखिए, आप लोगों ने तो सुन लिया बच्चों ने क्या कहा। ये बताइए कि आप में से किसी ने और भी कुछ देखा? बहुत अच्छे थे साहब मेरे। साहब? जी हाँ, मैं यहाँ काम करती थी, झाड़ू पोछा, खाना वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जब ये सब हुआ तब आप कहाँ थी? साहब मैं तो बाजार गई थी सब्जी लाने, वापस लौटी तो देखा कि मेरे साहब की लाश पड़ी है वहाँ। अच्छा ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। ये बच्चे हमारे पास रहेंगे थोड़ी देर के लिए, बस उनसे थोड़ी पूछताछ करनी है। मेरे बेटे को छोड़ दीजिए सर, वो बहुत बोला है, उसने जानबूझकर ऐसा कुछ नहीं किया। गलती हो गई सर, उसे छोड़ दीजिए। सर आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ मत कहिए सर। अरे देखिए, हम तुम्हारे बच्चों के साथ कुछ नहीं करेंगे, कोई सजा वजा नहीं देंगे। हाँ फ्रेडी, ये देखिए सर, गोली का निशान। गोली आई कहाँ से? विवेक एक काम करो, बाहर जाके पड़ोसियों और बच्चों से पूछताछ करो, देखो किसी ने भी गोली चलने की आवाज सुनी है क्या। यस सर। दया, अगर गोली का निशान है यहाँ पर तो इसका मतलब है गन भी यही कहीं होनी चाहिए। गन को ढूंढो, ढूंढो, गन मिलती है क्या देखो। नहीं सर, मैं से किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी है सर। किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, फिर कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। सुधीर की मौत बॉल लगने से हुई है और यहाँ तो गोली भी चली है, तो फिर ये गोली आई कहाँ से? सर गन तो नहीं है सर। सर इस गोली के पीछे राज क्या है, हमें वही ढूंढना होगा। विवेक, तुम और ताशा घर का कोना कोना छान मारो, देखो देखो कुछ मिलता है क्या। और उस बॉडी को, सुधीर के बॉडी को फोरेंसिक लैब में भेज दो, सालुंखे के पास। खाल निकाल रहा है बता ही नहीं रहा कि कर क्या रही है। वही तो, अब और खान निकालेगा। ऐसा लग रहा है जैसे आज ही नोबेल प्राइज मिलने वाला है। कुछ कहा क्या तुम लोगों ने मुझसे? हाँ नहीं नहीं, मेरे बारे में कुछ बात की? अरे नहीं तो, तू अपने काम में लग जा, हम लोग यहाँ चुपचाप खड़े हैं। नहीं, मुझे कुछ खुसर-फुसर सुनाई दी थी बस। अरे नहीं, ए दया, तुमने तो कुछ कहा नहीं ना? नहीं नहीं सर, मुझे अकेले बात करने की आदत नहीं है। हाँ, कोई नहीं। तो बहुत टाइम लगा रहे सर, आज बहुत टाइम लगा रहे हैं। अभी अभी तो माइक्रोस्कोप तक पहुंचा है, अब देखो माइक्रोस्कोप में क्या मिलता है। सालुंखे साहब, जब तक आप ये काम कर रहे हैं तब तक हम लोग तारिका जी से कुछ बात कर ले क्या? हम लोग मतलब कौन लोग? हम लोग मतलब हम सब लोग। ओ सब लोग? सालुंखे, हम सब मतलब ये नहीं सर, मेरा कहने का मतलब था जब तक ये वहाँ पे काम कर रहे हैं तब तक ये क्या काम कर रहे हैं, हम लोग तारिका जी से पूछ लेते हैं। क्या हुआ? गले में कुछ फंस गया क्या आपके? अरे इन्हें दवाई लेनी चाहिए फौरन, है ना अभी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दवाई लेनी चाहिए आपको। गले में इस तरह की आवाज निकलने का मतलब बहुत खतरा हो सकता है। हाँ हो सकता है, हमारे डॉक्टर सालुंखे है ना, दवाई दे देंगे। सालुंखे? अरे नहीं यार, सालुंखे साहब मुर्दों को इंजेक्शन लगाते हैं, इस जिंदा आदमी का इलाज कैसे करेंगे आप? तारिका। जी सर। कम हियर फॉर अ मोमेंट। जी सर। सालुंखे, ये क्या फुसफुस हो रही है? बात तो बिल्कुल धक्का लगने वाली है सर। क्या धक्का लगने वाली बात? सर, इसकी मौत तो बॉल लगने की वजह से ही हुई है, लेकिन इसकी बॉडी में जहर भी मिला है। इसके शरीर में जहर है मगर मौत बॉल लगने से हुई है। इसका मतलब है दो चीजों की वजह से इसकी मौत हुई है, जहर से भी और बॉल लगने से भी। और तो और सर, इनके घर में गोली चली है मगर इनकी बॉडी पे गोली लगने का कोई निशान नहीं। सालुंखे, सुधीर के शरीर में जहर आया कहां से? कुछ खाया था क्या इसने? हो सकता है बस किसी ने कुछ खिला दिया हो इसे। अच्छा अभिजीत, काम करो, इस सुधीर के घर वापस जाओ और देखो और कुछ मिलता है क्या। तारिका, तुम भी लोगों के साथ जाओ, उस घर की एक एक चीज चेक करो, देखो किस चीज पर जहर लगा हुआ है। तारिका जी भी आ रही हैं। ये बहुत अच्छा किया। तारिका, हर चीज को देखो, देखो किस चीज में जहर है। कहीं से तो वो जहर गया है ना उस सुधीर की बॉडी में। जी। साशा, जरा ये कुकर खोलना प्लीज। नहीं अभिजीत, इसमें तो जहर नहीं है। अभिजीत, ये देखो दवाई का प्रिस्क्रिप्शन। लगता है ये आदमी बीमार था, उसका इलाज चल रहा था। उसे कद्दू सड़ा हुआ क्यों लग रहा है? शायद काफी दिनों से पड़ा हुआ लग रहा है। ये क्या है? सिटी हॉस्पिटल। मगर डॉक्टर का तो नाम लिखा नहीं। इस हॉस्पिटल से पता लगाना पड़ेगा कि सुधीर को क्या बीमारी थी और कौन सा डॉक्टर इसका इलाज कर रहा था। इसका जरा सैंपल चेक करती हूँ। क्या? क्या? सर ये देखिए, इस कद्दू के अंदर ये गन छुपाई गई थी। My God! ये गन काफी दिनों से इस कद्दू के अंदर रखी गई थी। लगता है यही वो गन है जिससे गोली चलाई गई थी बस। डॉक्टर तारिका, इसे फॉरेंसिक लैब लेके जाइए और देखिए वो गोली इसी गन से चली है क्या। सर, जायदाद के पेपर मिले। जायदाद के पेपर? इन पेपर्स के हिसाब से तो सुधीर के पास काफी प्रॉपर्टी है, फिर वो ऐसे फ्लैट में क्यों रहता था? एक काम करते हैं, उन बच्चों को और उस नौकरानी को फिर से पूछताछ के लिए बुलाते हैं। देखिए, हम ये बात मान ही नहीं सकते कि आपने किसी को घर में आते जाते देखा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। साहब, जब नहीं देखा तो कैसे बोल दूं? वैसे भी इतने टेढ़े आदमी को कौन मिलने आएगा साहब? टेढ़ा आदमी मतलब? टेढ़े आदमी को टेढ़ा नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा साहब? ना आपने कुछ देखा ना कुछ सुना। ठीक है, आप जा सकती हैं, मगर हाँ, अगर आगे जरूरत पड़े तो दोबारा बुला लेंगे। ठीक है? ठीक है साहब। कह रहे थे सुधीर टेढ़ा आदमी है। तो ये बच्चे ही कुछ बताएंगे सर। अब विवेक सर, वो जो दवाई की प्रिस्क्रिप्शन मिली थी, पता करो डॉक्टर कौन है। जी कहिए। श्रद्धा, चिल्ड्रन काउंसलर। चिल्ड्रंस काउंसिलर। कहिए। मुझे बच्चों से मिलना है। मिल लीजिए। बच्चों, इन्होंने आपको तंग तो नहीं किया? कमाल कर दिया आप मैडम। हम भला बच्चों को तंग क्यों करेंगे? अच्छा वो सब छोड़िए, अब आप ये बताइए आप इनको छोड़ कब रहे हैं? आप इनको यहाँ पे ऐसे रख कैसे सकते हैं? श्रद्धा जी, ये बच्चे एक केस सॉल्व करने में हमारी मदद कर रहे हैं। बस इनसे कुछ पूछना है, जैसे तहकीकात पूरी हो जाएगी हम खुद इन बच्चों को इनके घर छोड़ाएंगे। बस ठीक है, आपको जो कुछ भी पूछना है आप मेरे सामने पूछिए। ओके बच्चे, ये बताओ जब आप लोग खेल रहे थे तो आपने सुधीर अंकल के घर किसी को आते जाते देखा था क्या उनकी मौत से पहले? नहीं अंकल, हमने किसी को भी नहीं देखा। अंकल, वो किसी को अपने घर के अंदर घुसने ही नहीं देते थे और ना ही किसी से बात करते थे। अच्छा अच्छा, ये बताओ आखिरी बार कब देखा था तुमने सुधीर अंकल को? जब हम खेल रहे थे ना तभी देखा था। वो खिड़की में से मैं डांट रहे थे। डांट रहे थे? क्यों डांट रहे थे? बस अभी बहुत हो गया, अभी किसी सवाल का कोई जवाब नहीं। देखिए श्रद्धा जी, आप हमारे काम में रुकावट ला रही हैं, ये ठीक नहीं है। मेरे पास गवर्नमेंट का लेटर है, आप देख सकते हैं। आप इन बच्चों पे ऐसे जाती नहीं कर सकते। देखिए कोई जाती नहीं कर। क्या पता चला? सर सुधीर किसी साइकाइट्रिस्ट के पास अपना इलाज करने जाता था। उस साइकाइट्रिस्ट का नाम डॉक्टर रविराज। सुधीर को दिमागी बीमारी तो नहीं थी? वो नौकरानी भी तो कह रही थी कि बड़ा टेढ़ा आदमी था। सर टेढ़ा आदमी था, इतनी जायदाद थी फिर भी छोटे से घर में रहता था, अपने आप को कमरे में बंद करके रखता था। डॉक्टर रविराज से मिलते हैं। यस, हाथ सीधा कर दीजिए, एकदम रिलैक्स। कौन है आप लोग? बिना परमिशन के अंदर आना मना है। माफ करना डॉक्टर साहब, बात ही कुछ ऐसी है जो हमें इस तरह से आना पड़ा है। क्या कोई बीमार है? नहीं, कोई बीमार तो नहीं है, मगर बहुत कुछ हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये डॉक्टर साहब कि हम लोग CID से और एक खून की तहकीकात करनी यहाँ आए। सुनो, तुम थोड़ी देर बाहर बैठो। जी डॉक्टर, मैं बुलाता हूँ तुम्हें। खून का मेरे जैसे डॉक्टर से क्या लेना देना? लेना देना है डॉक्टर साहब, तभी तो हम यहाँ आए हैं। आपके एक पेशेंट का खून हुआ है और उसी के बारे में हम कुछ बात करना चाहते हैं आपसे। किस मरीज की बात कर रहे हैं आप? सुधीर? जी हाँ, सुधीर को तो जानते हैं ना आप? हाँ, वो मेरा दोस्त था। अरे उसे कैसे नहीं जानूंगा, थेरेपी से पहले से ही वो मेरा दोस्त था। किसने मारा उसे? ये तो हम भी जानना चाहते हैं कि किसने मारा है उसे, इसीलिए सुधीर के बारे में कुछ सवालों का जवाब चाहिए। कहिए, क्या जानना चाहते हैं? क्यों आता था सुधीर आपके पास, क्या प्रॉब्लम थी उसे? सुधीर को कोई दिमागी प्रॉब्लम थी और उसी सिलसिले में वो मेरे पास आता था। कैसी प्रॉब्लम? सुधीर को अपनी मरी हुई बीवी की आत्मा दिखाई देती थी। ये हुआ क्या था सुधीर की बीवी को? 6 महीने पहले सुधीर की बीवी की मौत हो गई थी हार्ट अटैक से। सुधीर ने मुझे बुलाया क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूं और उसका दोस्त भी। मैं वहां पहुंचने से पहले ही उसकी बीवी मालती मर चुकी थी। मालती? अच्छा, फिर क्या हुआ? उसकी बीवी की मौत का उसे जबरदस्त झटका लगा और वो बर्दाश्त नहीं कर सका और पागलों जैसी हरकत करने लगा। मैंने उसकी बीवी को अपने हॉस्पिटल भेज दिया और उसके मौत का सर्टिफिकेट दे दिया। अरे मगर डॉक्टर साहब, आप तो दिमाग के डॉक्टर हैं, आप वहां कैसे पहुंच गए? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि मैं अगर ऐसा नहीं करता तो सुधीर की भी मौत हो जाती। वो एकदम मरने की हालत में था। सुधीर को तो मैंने बचा लिया, लेकिन इस हादसे के बाद उसकी बीवी की आत्मा उसे दिखाई देने लगी और इसी चक्कर में उसने अपना पुराना घर बेचकर नए घर में आ गया। तो मालती की आत्मा की वजह से वो अपने आप को घर में बंद रखता था? जी हाँ। हाँ डॉक्टर साहब, क्या? जहर सुधीर के शरीर में गया कैसे? वो जहर सुधीर के सर पर लगे हुए घाव में से अंदर गया है। घाव में से? वो कैसे? तारिका, वो बॉल देना जरा जो लाश के पास में से मिली है। जी सर। मुझे पहले से ही मालूम था कि तारिका जी ने बॉल को अच्छी तरीके से जांचा होगा, उसे ध्यान से देखा होगा, तब जाके पता चला होगा कि जहर बॉल पर नहीं लगा हुआ है। नहीं, बॉल के ऊपर जहर नहीं है। जी नहीं। क्यों तारिका जी? जी नहीं है। सुन लिया अभिजीत जी? और ये बात तारिका जी ने नहीं पता लगाई, सालुंखे ने पता लगाई। बॉस, जहर बॉल से ही अंदर गया है, लेकिन वो जहर इस बॉल पर नहीं लगा हुआ है। मगर डॉक्टर साहब, सुधीर के सिर पे यही वाला बॉल लगा था ना? तो फिर देखो दया, बॉल लगने से सर पर घाव हुआ और बॉल पर लगा हुआ जहर घाव के जरिए शरीर के अंदर चला गया। और आपने अभी अभी कहा कि बॉल पे तो जहर है ही नहीं। जहर बॉल पे ही था, मगर वो बॉल दूसरी थी। क्या क्या तारिका जी, आप भी ना एक बॉल के बारे में बोलिए, कभी ये बॉल कभी वो बॉल, आपने भी दिमाग घुमा के रख दिया आज। सालुंखे, क्रिकेट एक ही बॉल से खेला जाता है, दो दो बॉल से नहीं। मैं क्या करूं बॉस, इस मैच में अंपायर दो दो बॉल लेकर के आ गए। अब वो दूसरी वाली बॉल ढूंढनी पड़ेगी, जहर वाली। सालुंखे, जहर बॉल से ही अंदर गया है ना? हाँ, घाव पर बॉल लगने का निशान है। ओ, तो इसका मतलब है खूनी ने बदल दी बॉल। सुधीर की मौत के बाद खूनी बहुत चालाक है सर, काफी अच्छी प्लानिंग की है उसने। अब तो सर वही अपना पुराना नुस्खा। अच्छा, जागया नींद से? बोलो बच्चे बोलो। डॉक्टर साहब, क्रिकेट बॉल के ऊपर उंगलियों के निशान मिले हैं ना? हाँ मिले, बहुत सारे बच्चों के हैं। उन सबको पकड़ोगे? बच्चों को फिर से मिलते हैं। देखिए श्रद्धा जी, हम अच्छी तरह से जानते हैं बच्चों ने कुछ भी नहीं किया है। हम बच्चों के दुश्मन नहीं हैं, हम भी प्यार करते हैं बच्चों से, समझिए। मगर इन बच्चों की मदद से ही हम ये केस सॉल्व करने को जा रहे हैं। मैं आपको रोक नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहती हूँ आपसे कि आपको जो कुछ भी इन बच्चों से पूछना है थोड़ा प्यार से पूछिए। इनके दिमाग में कोई ट्रॉमा नहीं होना चाहिए। अगर बचपन में बच्चे के दिमाग में एक बार धक्का लग जाता है ना, तो जिंदगी भर के लिए नहीं जाता है। अच्छा, तो आप क्या समझते हैं हम बच्चों से बात करना नहीं जानते? कैसे सवाल पूछते हैं हम? हमें आपसे सीखना पड़ेगा। श्रद्धा जी, आप है ना यहाँ पे, हम जो कुछ भी पूछेंगे आपके सामने ही पूछेंगे, है ना? अच्छा बच्चे, अब ये बताओ कि तुम लोगों ने वो बॉल कहाँ से खरीदी? हम समझे नहीं बेटा, तुम कौन सी भाषा में बात कर रहे हो? अंकल, इसके कहने का मतलब है हमारे बिल्डिंग के बगल में एक स्पोर्ट्स की दुकान है, उधर से हमने खरीदी थी बॉल। अच्छा 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 अच्छा, कब कब खरीदी थी बेटा? जब हम खेला था ना उसके पहले। खेल रहे थे तो उसके पहले? ऐसे। अच्छा, जब तुम खेल रहे थे तो क्या कोई तुमसे मिलने आया? हाँ? कोई मिलने आया था? नहीं अंकल। नो अंकल। अच्छा, अगर अब आप लोगों का सवाल जवाब हो गए हैं तो ये बच्चे कुछ खा सकते हैं? हाँ जी, जरूर बच्चे खा सकते हैं और आप भी खा सकते हैं। खाइए आप। अभिजीत, लगता नहीं इस दुकान में कुछ गड़बड़ है। असर हो सकता है कि दुकान वाले ने ही जहर भरी गेंद बच्चों को बेचती हो। वही हो सकता है, पैसे लिए होंगे उस ये सब करने के लिए। कौन हो सकता है सर वो? हमें समझ में नहीं आता, लेकिन एक बात बार बार दिमाग में आ रही है कि ये जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं सुधीर की बीती जिंदगी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, वो कैसे सर? देखो अभिजीत, सुधीर की पत्नी के गुजरने के बाद उसे घर में उसकी आत्मा दिखाई पड़ती थी, तो उसने अपना घर बदल दिया। मगर नए घर में भी उसे वही आत्मा दिखाई पड़ती थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि सुधीर ने ही अपनी बीवी को मार डाला और फिर लोगों को कहा कि वो हार्ट अटैक से मर गई, और अब उसकी बीवी का कोई रिश्तेदार बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है। एक काम करते हैं, सुधीर की पुरानी घर के पड़ोसियों से जाकर बात करते हैं और इस दुकान से भी पता करते हैं कि ये बॉल का चक्कर क्या है। सुधीर इस घर में इतने दिनों से रह रहा था तो यहाँ पे उसकी जरूर कोई ना कोई चीज मिलेगी, कोई पुरानी फोटो, कोई पुराना लेटर। हर घर में आदमी का इतिहास छिपा रहता है, ढूंढो, कुछ ना कुछ मिलेगा ही। सुधीर की फोटो, विवेक ये देखो, सुधीर की और उसकी वाइफ की फोटो। ये पड़ोसी को बुलाया ना तुमने? हाँ सर, वो बाहर खड़ा है, चलो उससे पूछताछ करते हैं। ये निशान विवेक, गोली का निशान है। यहां जाके टकराई है गोली। ओह, ये देखो, ये गोली का नेट। चलो पूछते हैं नेबर से। सुनिए, सुधीर के घर में आपने कभी गोली चलने की आवाज सुनी? क्या गोली चलने की? हाँ। नहीं तो आप यहीं पे थे जब मालती की मौत हुई थी? जी, मैं यहीं पर था, लेकिन मालती का अचानक से इस तरह मर जाना मेरे लिए बहुत अजीब बात थी। अजीब क्यों? क्योंकि मेरे ख्याल से उसे कोई भी बीमारी नहीं थी, मैंने उसे कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाते हुए नहीं देखा, फिर भी अचानक से हार्ट अटैक आया और वो मर गई। मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मैं उसके लिए कुछ कर नहीं पाया। सुधीर की पत्नी की मौत यहाँ इस घर में हुई और यहाँ पे गोली चली है। सुधीर की मौत वहाँ उस नए घर में हुई और वहाँ पे भी गोली चली है। वहां पे हमें गन भी मिली है, देखना है ये गोली उसी गन से चली है या नहीं। Excuse me? नमस्ते, क्या चाहिए आप लोगों को? वो लेदर सीजन बॉल। अच्छा, अब क्रिकेट वाली? जी हाँ भाई, एक मिनट। हाँ, ये लीजिए सर। क्या देख रहे हो सर? यहाँ पास के सोसाइटी के बच्चे बॉल तुम्हारे यहाँ से लेकर गए थे। हाँ सर, हाँ सर, पर आपको कैसे मालूम? हमें तो ये भी पता है कि कल वही बच्चे यहाँ से 3-4 बॉल्स लेकर गए थे। हाँ, लेके गए थे। अब वो हमेशा मेरी दुकान से ही खरीदते हैं। आप लोग भी वही रहते हो क्या? नहीं, हम लोग वहाँ नहीं रहते, हम लोग CID से। CID से? क्या हुआ, हवा क्यों निकल गई? पर हमने क्या किया है सर? ये तो तुम्हें जेल जाने के बाद ही पता चलेगा। जेल में? हाँ, जेल में। तुम्हारी दीवी बॉल से एक आदमी का खून हो गया है। बॉल से खून? ज़्यादा स्मार्ट बनता है, समझे? जो बॉल तुमने बच्चों को दिए थे उसमें जहर लगा हुआ था। सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, सर सच में सर, सर मैंने कुछ नहीं किया सर। हंसने के बाद हर आदमी यही बोलता है। बोल, किसके कहने पे तुमने जहर लगाया था बॉल पे? हाँ सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ सर, सर सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर। सर, मुझे लगता है कि आदमी सच कह रहा है। मुझे भी यही लगता है। वो कैसे सर? फ्रेडी, इस बॉल पे स्टिकर लगा हुआ नहीं है, और जो बॉल हमें सुधीर के घर में से मिला है उस पे स्टिकर लगा हुआ था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है फ्रेडी, खूनी ने बॉल पे जहर बच्चों के खरीदने के बाद लगाया। अच्छा सुनिए, उन बच्चों के साथ और कोई आया था यहाँ पर? नहीं मैडम, वो खुद बच्चे आए थे खरीदने के लिए, और हाँ वो 3 बॉल लेकर चले गए मैम। बॉस, अभी पता चल जाएगा कि सुधीर के पुराने वाले घर में से हमें जो गोली मिली है वो इसी गन में से चली है या किसी और गन में से। नए घर में गोली का निशान मिला है और पुराने घर में भी गोलियों के निशान मिले हैं। ये गोलियां कोई बिना बात के तो नहीं चला रहा होगा, किसी को जान से मारने के लिए तो चला रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि गोलियां लगी किसको, कहाँ है वो लाश? हाँ सर, लाश तो नहीं मिली। और ये जो गोली मिली है उस पर भी तो कुछ लगा हुआ नहीं था। हाँ तारिक, कुछ लगा हुआ था गोली पर? खून या मांस? नहीं सर, कुछ भी नहीं, गोली बिल्कुल साफ है। बॉस, सुधीर के घर में से जो गोलियां चली हैं, वो इसी गन में से चली हैं। देखिए, प्लीज। मगर ये गोलियां चलाई किसने सालुंखे? गोलियां चलाई किसने? वो भी पता चल जाएगा बॉस। वो कैसे? डॉक्टर तारिका ने इस गन में से फिंगरप्रिंट लिए हैं, उसे पता चलेगा। सर, जो उंगलियों के निशान मुझे इस गन पे से मिले हैं वो सुधीर की उंगलियों के निशान है। क्या? सुधीर की उंगलियों के निशान? सुधीर के? मतलब दोनों घर में जो गोलियां चली हैं वो तो खुद सुधीर ने चलाई है? शायद, और कौन चलाएगा? वैसे भी गन उसी के पास थी। मगर क्यों? ये तो आप लोग ढूंढेंगे ना। अगर सुधीर ने गोलियां चलाई है तो फिर किस पर चलाई गोलियां सुधीर ने? सर, सुधीर के पुराने घर के पड़ोसियों ने बताया कि सुधीर की वाइफ को कोई बीमारी नहीं थी, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। देखा, मैं कह रहा था ना, ये अचानक उसकी बीवी को हार्ट अटैक कहां से आया? हाँ सर, ये बात तो है। और एक बात सर, सुधीर की और उसकी वाइफ की मौत में एक बात और कॉमन है। सुधीर की वाइफ की मौत शायद किसी और वजह से हुई, लेकिन ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई। जैसे सुधीर की मौत हुई जहर से, और ये दिखाने की कोशिश की गई कि उसकी मौत बॉल लगने की वजह से हुई है। हाँ, लेकिन अब ये जहर बॉल पर लगाया कैसे और कब? क्योंकि बच्चों ने तो दुकान में जाकर के बॉल ले ली और खेलना शुरू कर दिया था। ये भी हो सकता है सर कि जब बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे इसी बीच में किसी ने चुपके से जहर लगा दिया होगा गेंद पे। ये भी हो सकता है सर, किसी ने बॉल बदल दी हो खेल के बीच में। इसका मतलब जब बच्चे खेल रहे थे तो जिसने भी ये किया है वो उस वक्त वहीं कहीं आसपास छुपकर बैठा था। बच्चों से फिर से पूछते हैं सर। हाय मैम। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जब आप लोग खेल रहे थे तो आपकी बॉल कभी किसी और आदमी ने छुआ था आपकी बॉल को? नहीं? नहीं। कहीं बॉल चली गई हो, किसी ने उठा के आपको दिया हो? हाँ, याद आया, एक बार बॉल बिल्डिंग के पीछे चली गई थी। देखा अभिजीत, बॉल कहीं गई थी। ये मोंटी ढूंढ के लेके आया था बॉल, याद है ना मोंटी? हाँ अंकल, याद आया, बहुत देर के बाद बॉल मिली, पहले तो मिल ही नहीं रही थी, बाद में अचानक से मिल गई। पहले बॉल गायब हो गई और फिर अचानक मिल गई। अच्छा मोंटी, जब तुम वो बॉल ढूंढ रहे थे वहाँ पे कोई और भी था आसपास? कोई ऐसा आदमी जिसे तुमने पहले कभी देखा है या नहीं भी देखा? याद नहीं आ रहा। डॉक्टर खूनी को मालूम था कि बच्चे कब खेलते हैं और कब बॉल पीछे की तरफ जाती है। हो न हो अभिजीत, वो बॉल उसी वक्त बदली गई है। डॉक्टर साहब, माफ कीजिए डॉक्टर साहब, हम आपको फिर से तकलीफ देने के लिए आ गए हैं। डॉक्टर साहब, कुछ गड़बड़ है। God. ये तो मर गए। ये सर किसी तेज हथियार से मारा गया है सर। लगता है अभी अभी खून हुआ है। कोई क्यों मारेगा इन्हें? चेक करो, कोई और भी घाव है क्या, देखो। नहीं सर, और कोई घाव तो देख नहीं रहा। शायद इन्हें कुछ मालूम होगा, किसी को लगा हुआ कि हमें कुछ बता ना दे, इसलिए इनका मुंह बंद कर दिया। नहीं सर, आसपास कोई हथियार वगैरह दिख नहीं रहा है। लगता है खूनी मर्डर वेपन अपने साथ ले गया है। फ्रेडी, हॉस्पिटल के पूरे स्टाफ को बुला। क्या हुआ इन्हें ऑफिसर? खून हुआ है उनका। किसने किया खून? ये तो आप लोग बताओ, किसने किया है खून? आप ही लोग थे ना यहाँ पे। मतलब सर? मतलब आप में से ही किसी ने मारा है इन्हें। भला हम अपने सीनियर डॉक्टर को क्यों मारेंगे? तो फिर और कौन मार गया डॉक्टर साहब को हॉस्पिटल में घुसकर? हैं? क्या बताओ, क्या कोई मरीज आया था इनसे मिलने पिछले एक घंटे में? नहीं सर। अरे जरा सोचो तो सही, थोड़ा याद करके बताओ, कोई आया था क्या? मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ सर, आज तो डॉक्टर साहब की किसी के साथ अपॉइंटमेंट भी नहीं थी। अरे पिछले एक घंटे में आप में से कोई आया था यहाँ पे इनसे मिलने के लिए? नहीं सर, इन्होंने मना कर रखा था कि इन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, ये केस पे काम कर रहे थे। सर मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। क्या? सर, मैं कॉरिडोर से गुजर रही थी तो मैंने एक वार्ड बॉय को इनके कैबिन में आते हुए देखा। वार्ड बॉय? कौन था वो? क्या इनमें से कोई था? नहीं सर, मुझे उसका चेहरा ठीक से याद नहीं है। अच्छा, उसके हाथ में कुछ था? कोई चाकू, कुछ और? सर नहीं, उसने हाथ में एक ट्रे ले रखी थी। ट्रे में क्या था, तुमने देखा? सर, ट्रे ढकी हुई थी। हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, पता तो चले वो वार्ड बॉय है कौन। आइए सर। रीटा, सीसीटीवी कैमराज की जो भी रिकॉर्डिंग है वो इन्हें दिखा दो। जी सर, 1 मिनट। अभी पता चल जाएगा वो वार्ड बॉय यहीं का है या नहीं। ये सीसीटीवी कैमरे सब जगह फिट है ना? वैसे तो सभी जगहों पे हैं, लेकिन कैबिन के अंदर नहीं है, इसलिए अंदर क्या हुआ वो पता नहीं चल सकता। और कैबिन के अंदर कौन घुसता है ये तो पता चल सकता ना? जी हाँ। ये देखिए सर। और कैबिन के अंदर कौन घुसा, इस आदमी का चेहरा तो दिखाई नहीं दे रहा। कुछ ना कुछ तो दिखाई देगा ही। एक मिनट जरा, वो फुटेज दिखाइए जब ये आदमी बाहर आता है कमरे से। ओके सर। आप लोगों में से कोई पहचानता है इसे? नहीं सर। सर, ये हमारे हॉस्पिटल का नहीं है। इसका मतलब दया, ये कोई बाहर का आदमी है जो वार्ड बॉय का बेस बदल के डॉक्टर को मारने के लिए अंदर गया था और वो ये जानता है कि डॉक्टर किस वक्त कैबिन में अकेला होता है और कब नहीं। ये दोनों खून आपस में जुड़े हुए हैं दया, सुधीर का और इस डॉक्टर का। और अभिजीत ये सिलसिला शुरू हुआ सुधीर की बीवी की मौत के बाद। सुधीर की बीवी की मौत, शायद इसी में कुछ राज छिपा हुआ है। एक मिनट डॉक्टर साहब, हमें एक डेथ सर्टिफिकेट देखना है एक औरत का। क्या नाम था उसका? मालती। शायद हार्ट अटैक से मौत हुई है उसकी। इस सुधीर की वाइफ थी वो। एक मिनट मैं भी चेक करके लाता हूँ। देखते हैं सर्टिफिकेट में क्या लिखा है, क्योंकि पड़ोसी तो कह रहे थे कि उसे कोई बीमारी नहीं है, ना ही कभी उसे डॉक्टर के पास जाते हुए देखा है। ये लीजिए सर। हार्ट अटैक, इसमें तो लिखा है हार्ट अटैक से मौत हुई है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभिजीत, डॉक्टर रविराज की मौत के बाद एक बात तो पक्की है कि डॉक्टर की मौत, सुधीर की मौत और सुधीर के बीवी की मौत, इन तीनों की मौत कहीं ना कहीं तो जुड़ी हुई है। हाँ सर, सुधीर की बीवी का बिना बीमारी के मरना और उसके बाद आत्मा बन के दिखाई देना। सर, इस सुधीर ने ही मारा होगा अपनी बीवी को। मगर इस डॉक्टर रविराज को मारा किसने? हाँ सर, कौन सकता है वो? एक मिनट विवेक, पॉज करो सर। जूम करो और जूम करो। सर, इस वार्ड बॉय के हाथ में देखिए जले हुए का निशान। सर, निशान मैंने कहीं देखा है सर। अच्छा, ओके, मुझे पता चल गया कि खूनी कौन है। रेडी, जरा वो फोटो लेकर आओ जो हमें सुधीर के घर से मिली थी। सुधीर और उसकी वाइफ की फोटो। सर ये देखिए, सुधीर की वाइफ के हाथ पे देखिए सर, और वार्ड बॉय का हाथ देखिए, बिल्कुल सेम वैसा ही जले का निशान है सर। एक ही निशान है। माय गॉड अभिजीत, इसका मतलब है ये मालती अभी भी जिंदा है, मरी नहीं है वो। सर, वो मरी नहीं है, मरने का नाटक किया उसने। वही डरा रही थी सुधीर को आत्मा बनकर। सुधीर का खून भी उससे नहीं किया है। पता लगाओ कहां पर है ये मालती। ये औरत यहाँ पे आई थी? नहीं सर, मैंने इसे कभी नहीं देखा। देखो, सोच के बताओ, कोई जल्दी नहीं है। ये औरत यहाँ पे आई थी क्या? शायद जब वो बच्चे बॉल खरीदने आए थे ये भी आई हो उसी वक्त। मुझे कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है। आप लोग जरा ये फोटो देखिए। इस औरत को आपने यहाँ पे कभी देखा है क्या? नहीं सर। देखो, इसका नाम मालती है। क्या आपने इसे कभी यहाँ पर आते जाते हुए देखा है? हम इसे पहली बार देख रहे हैं, वो भी फोटो में। जरा ध्यान से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। नहीं सर, नहीं सर। चलो ठीक है, आप लोग जा सकती हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। कमाल है सर, सुधीर की वाइफ को यहाँ पे किसी ने कैसे देखा? कैसे भाई? तो चलो बच्चे, कम 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 जल्दी कम। अंकल, मुझे घर जाना है। चले जाना बेटा, पहले हमें तुम लोगों से कुछ पूछताछ करनी है। ओके, कम चलो। अंकल, क्या कुछ हो गया आप हमसे? बच्चे लोग इधर आना जरा। ये फोटो देखो, इस औरत को आपने यहाँ पे कभी देखा है? रोज शाम को हम यहाँ खेलते पर कभी नहीं देखा है ना सर। आप देखिए जरा, आपने देखा इस औरत को यहाँ? मुझे नहीं लगता साहब, मैंने इसे देखा है ना साहब। अंकल, अब हम जाएं? नहीं बच्चों, बस थोड़ी देर के लिए रुको। साहब, मुझे तो काम पे जाना है साहब, मैं तो जा सकती ना? ठीक है, आप जाइए। अच्छा जाइए। आप में से किसी ने भी नहीं देखा? नहीं अंकल। सर, अरे कोई भी बताने को तैयार नहीं है सर कि औरत यहाँ पे आई थी। सर, मुझे तो लगता है कि इस मालती ने ही किसी को पैसे देकर ये खून करवाया है। हाँ फ्रेडी, मगर हमें उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही ना, जिसने भी ये किया है। सर ढूंढेंगे कैसे? सर इन बच्चों ने बताया था कि एक बार बॉल पीछे की तरफ गई थी, तो कहीं उसी वक्त बॉल तो नहीं बदल दी गई? हाँ सर, यही हो सकता है, क्योंकि सिर्फ यही एक टाइम था जब ये बॉल बदला जा सकता था। तो फिर चलो चलकर देखते हैं। यहाँ पे एक और भी रास्ता है, मतलब खूनी इस रास्ते से आया होगा और बॉल बदल के इसी रास्ते से वापस चला गया। मगर सर बच्चों को दिखना तो चाहिए था वो आदमी जब बॉल बदलने आया था। ये भी हो सकता है दया, जब तक बच्चे भाग के आए होंगे बॉल ढूंढने के लिए, तब तक खूनी अपना काम करके निकल गया। हाँ हो सकता है, और बच्चों को तो दिखना ही चाहिए था। एक काम करते हैं, चारों तरफ अच्छी तरह से ढूंढो गार्डन। नहीं सर, पर जिस तरह से अटके हुए हैं यहाँ पे, ऐसा लगता नहीं है कि ये हवा से उड़ के आया है। विग का बाल लग रहा है सर, बाल असली नहीं है सर। विग? हाँ सर, और बाल लंबे हैं तो शायद किसी औरत का विग होगा। कहीं खूनी भेस बदल कर तो घूम नहीं रहा होगा, जिसकी वजह से वो पहचाना नहीं जा रहा। ये भूख ऐसी मालूम नहीं सर। कभी कभी खोटा सिक्का भी चल जाता है सर। मैं सुनूं? सुन लो। ये तो बर्तन धोने वाले साबुन की खुशबू है, मुझे मालूम है। ये तुम्हें कैसे मालूम फ्रेडी? बस ऐसे ही मालूम है। रोज रोज घर में बर्तन जो धोता हूँ, घर में और काम ही क्या है। तो इसमें शर्माने की क्या बात है? हाँ? क्यों सर, बिल्कुल हर एक को इसी से गुजरना पड़ता है ना चाचा? एक मिनट फ्रेडी, जीत, मुझे पता चल गया है ये खूनी है कौन। कौन है? सर आप लोग यहाँ? कहाँ है वो? हाँ? कहाँ है वो? कौन सर? वही जो तुम्हारे यहाँ पे नौकरानी है। मालूम नहीं सर। अच्छा ये बताओ कि आपके घर में कोई और भी दरवाजा है बाहर जाने के लिए? जी सर। कहाँ पर है दिखाइए। उधर चलिए। उस औरत को देखा तुमने जाते हुए? ठीक है, बच्चों का ख्याल रखना। बेटे साशा, तुम लोग मेन गेट पर खड़े हो जाओ। देखो साशा, जरा होशियार रहना, अगर वो भागने की कोशिश करेगी तो उसे पकड़ लेना। भागेगी क्यों सर, आप है ना मेरे साथ। रुक जाओ। ज्यादा दूर भाग नहीं सकती दया, यहीं कहीं छुप कर बैठी है वो। ढूंढो उसे। देखो मालती, छिपने से फायदा नहीं है, तुम बच नहीं सकते। आते मालती, तुम कहीं भी भाग नहीं सकती, तुम्हारा छुपना बेकार है मालती। तो तुम हो वो असली मालती जो भेस बदल कर ये सब कर रही थी, क्यों? हाँ, मैंने ही मारा था सुधीर को। क्यों? सुधीर को क्यों मारा तुम? वो तो तुम्हारा पति ही था ना। हाँ, पति था। ऐसे पति का मर जाना ही बेहतर है। क्यों? ऐसा क्या किया था उसने? ये पूछे कि क्या नहीं किया था। रोज शराब पीकर घर आता था, गंदी गंदी गालियां देता था, मुझे मारता पीटता था। वो तो मुझे जान से मारना चाहता था। कई बार कोशिश की उसने मुझे मारने की। हमने तो सुना था कि आप हार्ट अटैक से मर गई, फिर जिंदा कैसे हो गई? मैंने अपने मरने का छोटा नाटक किया था। सुधीर के दोस्त ने मेरी इसके लिए मदद की थी और इसीलिए सबको यकीन हो गया कि मैं सचमुच ही मर गई। और ये दोस्त कौन है जिसने तुम्हारी मदद की? सुधीर का डॉक्टर दोस्त, वो साइकियाट्रिस्ट। उसके बाद तो जब भी मैं सुधीर के सामने आती, वो मुझे आत्मा समझकर बेहद डर जाता, यहाँ तक कि उसने अपना पुराना घर ही छोड़ दिया। फिर? मगर मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। कहाँ भागता मुझसे, मैं उसका पीछा करते करते यहाँ तक आ पहुंची। बेवकूफ, उसको तो ये भी पता नहीं चला कि जो औरत उसके घर में काम कर रही है वो उसकी ही बीवी है। इतना डर गया था आत्मा से। अरे वो तो वैसे ही मर जाता डर से, तो फिर तुमने उसे जहर क्यों दिया? वो मुझे पहचान गया था। सुधीर, वहां पर तुम फिर आ गई? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? अब मैं नहीं डरूंगा, अब नहीं डरने वाला मैं। जिंदा हो? ये बॉल के ऊपर जहर लगाने का आइडिया तुम्हारे दिमाग में आया कहां से है? तुम तो किसी भी चीज में जहर मिला के उसे पिला सकती थी। फिर तो आप लोग सबसे पहले मुझे ही पकड़ते ना। और इसीलिए तुमने इन बेचारे बच्चों को फंसा दिया। हाँ, क्योंकि सुधीर बच्चों से नफरत करता था। आए दिन इन्हें डांटता रहता था, लेकिन बच्चे फिर भी नहीं मानते थे, उसे और ज्यादा चिढ़ाते थे। और वो खिड़की के पीछे छुपकर उनकी बातें सुनता था। उस दिन भी वो खिड़की के पीछे छुपा हुआ था। फिर क्या हुआ? बच्चों ने जैसे ही खेलना शुरू किया, उनकी जहर वाली बॉल घर के अंदर आई और सुधीर को लग गई। सुधीर के बदन में जहर फैल गया और उसकी मौत हो गई। मगर ये जहर वाली बॉल इन बच्चों के पास गई कैसे? मुझे पता था कि बॉल अक्सर सुधीर के घर जाया करती थी। बस मैं इस मौके के इंतजार में थी कि कब ये बॉल पीछे की तरफ जाए, अब मैं उसे बदल दूं। और फिर एक दिन तुम्हें वो मौका मिल ही गया। हाँ। मैंने उस दिन जहर वाला बॉल बच्चे की बॉल के साथ बदल दिया। जब मैं घर गई, मैंने जहर वाला बॉल लिया और पुराना वाला बॉल बॉडी के पास रख दिया। मानना पड़ेगा, काफी दिमाग लगाया, बहुत अच्छी प्लानिंग किया। मगर उस डॉक्टर को क्यों मारा आपने? उसने तो तुम्हारा साथ दिया था ना। डर की वजह से उसका मुंह बंद करना जरूरी था। कैसा डर? पकड़े जाने का डर। मुझे पता चला था कि आप लोग उसे अरेस्ट करने वाले हैं। मुझे डर था कि कहीं वो डर की वजह से मेरा नाम ना बता दे, इसलिए उसे भी मार दिया। हाँ, माना कि तुम्हारा पति तुम्हें तंग करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कानून को अपने हाथ में ले लो। कानून की हद पार करके तुमने दो दो खून किए हैं। जेल की सलाखों के पीछे फांसी के ऑर्डर का इंतजार करते बैठना।